Hi everyone, this is Reena, a fitness advisor. Welcome once again to my channel, Be Fit Together. Rice किसको पसंद नहीं, वो भी प्लेट भर कर, फ्राइड राइस प्रोटीन से भरपूर और अंडर 300 कैलोरी, कितना मजा आ जाए ना राइस खाकर भी हम वेट लॉस करें तो। चलिए मैं आपको बताती हूँ आज हम राइस को वो भी फाइबर से भरपूर प्रोटीन से भरपूर कैसे बनाएं। हम उसके लिए एक मीडियम साइज प्याज लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, थोड़े कैप्सिकम लेंगे, थोड़े से कॉलीफ्लावर लेंगे, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो उनको ले, उनको कट करें, लेकिन आपको 1 टीस्पून देसी घी में ही से बनाना है। और इसके अंदर मैंने जैसे बताया 1/2 टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून के अंदर रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल करके अच्छी तरह से पैन में पहले अपने वेजिटेबल को सॉटे करना है। देन नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले और फिर उसको उसी तरह से सॉटे करें। ये जो राइस बन रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। देन उसमें काली मिर्च का पाउडर हम डालेंगे और राइस हमें 8 से 9 या 10 टेबलस्पून ही डालना है। देखिए मैंने काउंट करके 8 से 9 टेबलस्पून ही डाला है, लेबल बिल्कुल, ताकि आपको 150 कैलोरी सिर्फ राइस से मिले एंड वेजिटेबल्स बहुत सारा हो जाने से ये फाइबर से भरपूर हो जाएगा। मेरा तो फेवरेट है राइस, मैं इसके बिना रह नहीं पाती हूँ। डाइट में भी मैं पीती हूँ राइस, थोड़ा सा राइस, लेकिन जब वो प्लेट भर के हो जाता है तो मजा आ जाता है। उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल मिक्स कर दे तो। अब हम इसको प्रोटीन रिच बनाने के लिए 1 एग लेंगे, और वेजिटेरियन है तो 25 से 30 ग्राम पनीर ले सकते हैं या फिर 10 टू 12 सोया चंक ले सकते हैं, जिसे सोक करके बॉईल करके फ्राई कर सकते हैं। पैन में आप एग को ब्रेक करिए, उसके ऊपर थोड़ा काले मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर डाल के थोड़े देर तक उसे उसी तरह से उसकी एग भुर्जी बना लेंगे और फिर हम इसको अपने राइस में मिक्स कर लेंगे। अगर आप वेजिटेरियन है तो इसकी जगह आप पनीर ले ले, उसे को क्यूब कट कर ले और थोड़ा सा टॉस कर ले, या फिर थोड़ा चंक ले ले और उसको सोक करके बॉईल करके थोड़ा सा इसी तरह टॉस करके उसमें डाले, राइस को निकाले, गार्निश करे और इंजॉय करे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस है, प्लस वेट लॉस प्रोसेस में आपको फील नहीं होगा कि आपने घर का खाना नहीं खाया। इसी तरह से मैं और भी राइस का और गेहूं के आटे से बने हुए रेसिपीज लाऊंगी वेट लॉस के लिए, तो बने रहिए मेरे चैनल पे और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।